बड़वानी जिले में 7 अगस्त को होने वाले अन्नोत्सव को लेकर कलेक्टर श्री शिवराज सिंह वर्मा ने प्रेस वार्ता कर बताया, पीएम गरीब कल्याण योजना अंतर्गत पात्र हितग्राहियों को जिले में 8,916 मेट्रिक टन निःशुल्क अनाज वितरित किया जाएगा। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग, सांसद गजेंद्र पटेल भी होंगे अनुसों में शामिल। दरअसल 7 अगस्त को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अंतर्गत अन्नोत्सव का वृहद स्तर पर उत्सव के रूप में मनाया जाएगा, जिसके लिए जिले में 446 उचित मूल्य की दुकान पर तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा द्वारा कलेक्ट्रेट सभागृह में पत्रकार वार्ता कर बताया कि जिले में 446 उचित मूल्य दुकानों में निःशुल्क राशन वितरित किया जाएगा। वहीं हितग्राहियों को राशन के लिए भी बैग निःशुल्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं पीएम योजना अंतर्गत जिले में 2,59,252 पात्र परिवारों को 11,47,034 इस सदस्य लाभान्वित होंगे। अन्नोत्सव समारोह की टैगलाइन भोजन भी जीवन भी सम्मान भी धन्यवाद मोदी जी के तहत कोरोना काल में जूझ रहे लोगों के लिए बड़ा आधार साबित होगी। आज मुख्य रूप से जो प्रेस वार्ता रखी है उसमें 7 तारीख को पूरे प्रदेश में अन्न उत्सव कार्यक्रम का आयोजन है और हमारे जिले में भी 446 उचित मूल्य दुकानों पर अन्न उत्सव का आयोजन किया गया है। उसमें शासन की ओर से जो हमको निर्देश मिले हुए हैं उसमें मुख्य रूप से उस दिन सभी जो हमारे पीडीएस के हितग्राही हैं उनको 10 किलोग्राम का एक झोला रहेगा, उसमें उस थैले में 5 किलो अनाज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत में दिया जाएगा और 5 किलो जो हमारा रेगुलर जो एडीएस के दिग्राही है उनको दिया जाता है उसमें दिया जाएगा। कार्यक्रम की पूरी रूपरेखा जिले में तैयार की गई है, सभी पीडीएस की दुकानों पर एक एक नोडल अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है, सभी दुकानों पर मुख्य अतिथियों की भी नियुक्ति की गई है। हर दुकान पर मुख्य अतिथि वहाँ पर पहुँचेंगे, सुबह 10 बजे हमारे हितग्राही पहुँचेंगे वहाँ पर और 10:30 बजे से 11 बजे तक मुख्य अतिथि के द्वारा हितग्राहियों को संबोधन ये चलेगा और 11 बजे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी वर्चुअल तरीके से जुड़ेंगे। सभी दुकानों पर प्रधानमंत्री जी को मुख्यमंत्री जी को सुनने के लिए टीवी आदि की व्यवस्था उसमें की गई है। सभी हितग्राहियों को पहले से निमंत्रण दिया गया है, उसकी दुकानों पर पूरी जो तैयारियाँ हैं प्रचार प्रसार करना और लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए उनका पूरा उनको सामग्री देना, ये पूरी तैयारियां जिले में जोर शोर से चल रही हैं। हमारी पूरी जिले की टीम लगी हुई है, फूड विभाग पूरा लगा हुआ है, कॉर्पोरेट विभाग लगा हुआ है, जिले के सारे अधिकारियों को चुनाव की तरह से नोडल अधिकारी बनाया हुआ है, जिले में एक कंट्रोल रूम भी बनाया हुआ है, किसी दुकान पर कोई समस्या ना हो, सभी दुकानों पर पीडीएस का राशन पहुँच जाए इसकी हमने व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। तो जिले में जो चिन्हित हमारे हितग्राही रहेंगे उनको हम लोग उनको बैग के माध्यम से 10 किलो खाद्यान्न दिया जाएगा। इस पूरी तैयारियों के लिए आम लोगों को तक ये बात पहुँचे, पूरे जिले के हितग्राही तक बात पहुँचे, तो 7 तारीख का जो कार्यक्रम है एक उत्सव के रूप में मनाया जाए उसके लिए पूरी ये प्रेस वार्ता रखी गई है। मेरी सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रिंट मीडिया के माध्यम से अपील है कि हमारे जितने भी दुकानों के हितग्राही हैं पीडीएस के वो सभी अपना 7 तारीख को अधिक से अधिक अपना राशन प्राप्त करें और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो RPTV न्यूज की खबरें पाने के लिए लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाइए, साथ ही नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाइए और साथ ही RPTV की न्यूज की खबरों को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।